लोग गाइस बात करने वाले हैं इस वीडियो में नैतिक और अक्षरा के बारे में। नैतिक और अक्षरा की अगर हम बात करें तो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो का, जब सीज़न फर्स्ट रिलीज़ हुआ था तब आपको नैतिक और अक्षरा की जोड़ी देखने को मिली थी। बेसिकली इन्हीं के ऊपर ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ये शो स्टार्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था इस जोड़ी को। यहाँ पर करण मेहरा नज़र आए थे नैतिक के कैरेक्टर में, तो वहीं अक्षरा का कैरेक्टर हिना खान प्ले कर रही थी। दोनों का ही डेब्यू शो था, इससे पहले हिना खान का तो कोई शो नहीं आया था। करण मेहरा भी छोटा मोटा काम कर चुके थे, पर दोनों को ही पहचान अगर बात करें तो इसी शो से मिली है और आज भी लोग नैतिक और अक्षरा के नाम से ही दोनों को जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो नैतिक और अक्षरा की आपको दोबारा से इनकी स्टोरी देखने को मिल सकती है। वैसे तो आप लोग इस शो का रिपीट टेलीकास्ट तो देख ही रहे हैं, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है तो करंटली ऑन एयर है, जहां पर थर्ड जनरेशन लीप आ चुका है और वहां पर भी काफ़ी अच्छी स्टोरी पसंद करी जा रही है। लेकिन फिर भी नैतिक और अक्षरा की लव स्टोरीज आपको देखने को मिल रही है दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट पर। इससे ये पता चल रहा है कि ऑडियंस के बीच में इस जोड़ी का कितना क्रेज़ है आज भी, इतने सालों के बाद भी। जी हाँ, करीबन 10 से 12 साल बीत चुके हैं शो को ऑन एयर हुए, ऑफ एयर गए हुए, मतलब यहाँ पर इस जोड़ी को ऑफर गए हुए, लेकिन फिर भी क्रेज आज भी बहुत ज्यादा बना हुआ है। ये जोड़ी आपको दोबारा से देखने को मिल सकती है, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। हिना खान की अगर हम बात करें, बॉलीवुड में एंट्री कर रही हैं और साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही हैं और बैक टू बैक उनके सॉन्ग तो आते ही रहते हैं। तो ऐसे में करण मेहरा की बात करें, उनके भी न्यू प्रोजेक्ट को लेकर बातें सामने आ रही हैं। इतने लंबे टाइम के बाद खबरें जो चल रही हैं, तो ऐसे में उम्मीद यही करी जा रही है कि हिना खान और करण मेहरा एक साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ नहीं हुई है, सिर्फ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो फिर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।